तो न शोर शराबा न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, न बेवजह ड्रामा, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। जी हां, खबरों की भीड़ में आपके मतलब और सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है विश्लेषण। विश्लेषण हर जरूरी खबर का, विश्लेषण खबर के हर पहलू का, विश्लेषण खबर से जुड़े हर पक्ष का, सियासत की हर वो खबर जो समाज तक पहुंचनी चाहिए, हम करेंगे उसका विश्लेषण। और समाज की हर वो खबर जो सियासी गलियारों में गूंजनी चाहिए, हम करेंगे उसका भी विश्लेषण। क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ खबरों को दोहराते रहना हमारा काम नहीं, हमारा लक्ष्य है आपके हित अहित से जुड़ी हर खबर का असर हो। हमारा संकल्प है आपको प्रभावित करने वाली हर खबर को सही मकाम तक पहुंचाना। इसीलिए एबीपी गंगा अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है प्राइम टाइम का सबसे खास शो विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। तो विश्लेषण में आज सबसे पहले आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जारी अदावत और दूरियों का विश्लेषण होगा, क्योंकि आज सबकी नजर विधानसभा के सत्र पर थी, जहां आजम खान की कुर्सी ठीक अखिलेश यादव के बगल में लगी हुई थी। लेकिन आज आजम खान विधायक पद की शपथ लेने के बाद ही सदन से निकल गए, वो विधानसभा की कार्रवाई में शामिल ही नहीं हुए। और अब सवाल बड़ा है कि आखिर और अखिलेश और आजम के बीच ये दूरी कब मिटेगी, क्योंकि आजम खान को जेल से रिहा हुए 3 दिन बीत चुके हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखती हूं। आजम की शपथ बगावत का अग्निपथ, अखिलेश से दूरी या राजनीतिक मजबूरी, पहले बैठक अब सदन की कार्यवाही, खुल्लम खुल्ला लड़ाई। सीतापुर की जेल से रिहा हुए आजम खान को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव और उनकी मुलाकात अब तक नहीं हो पाई। ना अखिलेश यादव सामने आए ना आजम खान, और अब सवाल बड़ा है कि आजम और अखिलेश यादव की ये दूरियां कब तक चलेंगी, क्योंकि सोमवार को आजम खान विधायक पद की शपथ लेने तो विधानसभा पहुंचे, लेकिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। अब ये महज इत्तेफाक है या आजम की अदावत का खुला इजहार, क्योंकि जब एक दिन पहले समाजवादी पार्टी की विधान मंडल दल की बैठक हुई थी तो आजम खान नहीं पहुंचे थे। तब समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि आजम विधानसभा की कार्यवाही में जरूर आएंगे। आजम खान साहब जो है और उनके बेटे अब्दुल्ला, दोनों लोग विधानसभा के सत्र में रहेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो उनके ऊपर 27-28 महीने में जुल्म अत्याचार अन्याय हुआ है, वो विधानसभा के सत्र में वो खुद कहने का काम करेंगे। अब सवाल बड़ा है कि क्या आजम खान ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है, क्योंकि 2 दिन में ये दूसरी बार है जब आजम खान ने अपनी अदावत का खुला इजहार किया। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान आज विधानसभा पहुंचे और विधायक के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कमरे में जाकर शपथ भी ग्रहण की, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। हाँ, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जरूर आज विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। विधानसभा की कार्रवाई में वो क्यों नहीं शामिल हुए, ये एक बड़ा सवाल है। वही जानकारों की माने तो आजम खान अखिलेश यादव से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होते तो उन्हें अखिलेश यादव के बगल में बैठना पड़ता, क्योंकि सदन में आजम खान की कुर्सी अखिलेश के ठीक बगल में है। जहां अखिलेश की कुर्सी का नंबर J1 है, वहीं आजम खान की कुर्सी का नंबर J2। वैसे आजम खान सदन की कार्यवाही में नहीं आएंगे, इसका एहसास अखिलेश यादव को पहले ही हो गया था। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ है, वो सदन में आएंगे। अदावत का इजहार सिर्फ आजम खान नहीं कर रहे, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी के सभी विधायक लाल टोपी पहनकर आए थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम के सिर पर न लाल टोपी थी न हाथ में कोई तख्ती,
अब सवाल बड़ा है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी है, क्योंकि कागजों में यह संख्या तो 111 नजर आती है लेकिन जमीन पर घटकर 107 दिखाई देती है। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच आज विधानसभा में चंद कदमों का फासला था लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। आजम खान सीधे विधानसभा अध्यक्ष कक्ष में पहुंचे, विधायक के तौर पर शपथ ली और फिर सीधे मंडप में पहुंचे, जहां वो थोड़ी देर तक रहे और जब सत्र की कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले ही वो विधानसभा से बाहर चले गए। और अखिलेश यादव तब पहुंचे जब आजम खान विधानसभा से बाहर जा चुके थे। अब सवाल ये है कि आजम खान कब तक अखिलेश यादव से मुलाकात करने से बचते रहेंगे। कैमरा से जीतेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।